है माँ, आज बहुत देर हो गई। आज तो तुम्हारा वो था ना, वो लॉन्च था किसी चीज का, क्या था वो? अरे नया ऐप लॉन्च कर रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजर थी ना। अरे बताना पार्टी कैसी थी? सुपर पार्टी थी। पता है वो सैमुअल है ना, एक नंबर का पागल है। मुझे क्या था, मयूरी डोंट वरी आई विल ड्रॉप यू। आपको पता है खुद ही आउट हो गया। मुझे उसको घर जाके ड्रॉप करना पड़ा। एनीवे एक न्यूज है, पहले मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी ना, अब मैं हेड ऑफ मार्केटिंग बन गई। Congratulations. Thank you. इस बात पे तो मीठा बनता है। बिल्कुल। आप नहीं लेंगे ना? पता है डैड, वो पार्टी में ना सीईओ आया हुआ था। And guess what he said? कहता मयूरी, you are doing superb for your age. Just imagine my CEO. For your age, you should get married. You are right. 31 की हो गई हो, और अब तो मार्केटिंग हेड भी हो। बॉयफ्रेंड हो तो बता दो, हम शादी करवा देते हैं तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब पूछताछ करके शादी करवा देंगे। चिल मॉम, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर होता भी ना तो मुझे मिलने के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना होता। सीरियसली मेरे पास टाइम कहाँ है, कहाँ है फुर्सत मेरे पास? ये वीकेंड्स, ये ऑफ, ये सब मिथ होती है और कुछ नहीं। आपने देखा है ना बॉस कैसे मुझे ईमेल्स भी मिले, देखो यहाँ पे एक और ईमेल आ गया। ऐसे वीकेंड्स चले जाते हैं। हमने एक लड़का देखा तुम्हारे लिए। हमने? हमने? देखने में अच्छा है, अच्छा लड़का है, एक बार मिलने में क्या बुराई है? Dad, please, ये अरेंज मैरिज मेरे पल्ले नहीं पड़ती। क्या फोटो देखो, सवाल पूछो, लड़का सेटल्ड है, कमाता है, इट्स अबाउट माय लाइफ यार माँ। पर मुझे एक बात बताओ, एक एक कॉफी पर जाने से, डिनर पर जाने से कैसे पता चलेगा कि ये लड़का अच्छा है? मुझे दिखाओ। अरे ये भी कोई फोटो है, इसमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि लड़के का पेट आगे है कि नहीं है। ये क्या बात है भाई, थोड़ा सा पेट आगे है, खाते पीते घर का है। घर पे रहेगा तब ना, मैंने वो टम्बलर पे चेक किया था, पिछले महीने भी न्यूयॉर्क में था, फिर उससे 6 महीने पहले वो लंदन में था। मुझे लगा शायद काम के सिलसिले में चले गए होंगे, लेकिन नहीं, भाई साहब को तो घूमने फिरने का शौक। आपको कैसे पता चला ये सब? वो कैप्शंस पे लिखा था कि सेलिब्रेटिंग लाइफ विद माय चड्डी बड्डीज। हां वो क्या है कि थोड़ा ट्रैवलर टाइप का है, ही इज एडवेंचरस। एडवेंचरस मायू, मैं बता रही हूँ, एकदम बंदरों वाले शौक है इसके। कभी इमारत से कूद जाएगा, कभी पहाड़ से छलांग लगा देगा। कुछ दिन पहले तो इसने बहुत ऊंचे ब्रिज से कूद गया, इतना एडवेंचर। ये सब आपको उसके टम्बलर से पता चला? नहीं, वो स्नैपचैट पे इसने वीडियो डाले। बेटा उसका अपना घर है, समझे, खाता कमाता बढ़िया। इसमें क्या बड़ी बात है, खाता कमाता तो अपना पप्पू भी। पप्पू? पप्पू? अरे अपना कारपेंटर। अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये फेसबुक, फेसबुक खोले, ये लड़के का तुम देखो ये पेज, ये अपने सारे दोस्तों के घर डिजाइन करता है, मतलब इंटीरियर उसके डिजाइन करता है, तो इंटीरियर डिजाइनर है, तो एक तरह का कारपेंटर ही हुआ ना ये। बेटा वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव, ये शेर जैसा तो कुत्ता पाला है इसने। मैंने उसके वो व्हाट्सएप की डीपी मैंने देखी थी, उस पर देखी है वो कुत्ता। एट्स वेट्स, कितना झंझट है बेटा। मैंने अपने जानने वालों से पता करवाया इसका, समझे, सब बहुत तारीफ करते हैं, बहुत पॉपुलर सब में। हाँ ये बात सही कह रहे हैं पापा, पॉपुलर तो बहुत है, मतलब 1500 फॉलोअर हैं वो ट्विटर पे उसके, है ना। और वो क्या है, वो श्रृंगार करूंगी तेरा सीरियल आता है ना, उसकी एक्ट्रेस है, क्या नाम उसका, पार्वती, वो भी उसको ट्विटर पे फॉलो करती है। मेरी बात मानिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये लड़का मायू के लिए ठीक है। मेरा मतलब है कि छलांगे लगा रहा है, कभी फ्रीलांस काम कर रहा है, कोई पता ठिकाना नहीं है, न्यूयॉर्क चले गए, कभी कहीं चले गए, अब शेर जैसे कुत्ते पाल रखे हैं। आई डोंट, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं। वैसे माँ, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? हाँ तुम्हें लगता है तो मिल लो, कोई हर्ज तो है ना। ये टूरिज्म में काम करता है और इसका कॉर्पोरेट जॉब है। पॉपुलर, ये ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा, मयूरी को भी ट्रैवलिंग पसंद है।
लव्स फोटोग्राफी बोरिंग है थोड़ा सा लव्स एडवेंचर ये तो स्पोर्ट्स करता ही नहीं मुझे लगता है ये एडवेंचर वाला लड़का ठीक रहेगा लेकिन एक बात बताइए ये सब करना जरूरी है मेरा मतलब है हम दोनों सोच समझ के एक अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं ना उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हम क्या सोचते हैं जरूरी ये है कि मयूरी क्या चाहती है आपका हो गया I earn my own pay and pay my own way, like so many women do today. When I wake up, I dress up and gear up to speak up for what I am and what I'm not. For equality, humanity, and unity, 'cause believe me, that's what's hot. When I look in the mirror, I know my biggest asset is not what it shows. I'm not a kali kaluti or just fair and lovely, because I won't let my skin color be your sole discovery. What stares back at me is just a marketable facade that the world will either shun or applaud as suitably fuckable or visually unbearable. But I don't need to sexualize, infantilize, trivialize, or dismember my body to sell my face or my race, or be an idea that perfectly fits in a space that was flawed since its inception. I won't let that be my deception. I'm a diversified, amplified, certified, organized, dynamically fertilized, independent woman of today who will face failure with a successful smile, spread love. 'Cause that's what's in style, fight for the real deal, the naked truth, not just glamorized, over-photoshopped youth who takes leaps of faith and always gets up her hopes. 'Cause what's life without experiencing our universe's natural dope? I'll shatter that ceiling made out of glass with brilliance, excellence, and a whole lot of class. The confidence that I kick ass comes from inside, and I'm no longer suppressed or hide the gifts I've been given that were meant to be shared. The songs I sing, the words I write, the notes I play, the wars I fight, the planes I fly, the kids I teach, the way I move my dancing feet. I'm brave and fearless, fierce and flawless. Even if all that I got don't fit prettily into polyester and spandex, my shape I celebrate, 'cause it's my nerves of steel or buns of steel that make me feel fit and fabulous, 'cause I work on the strength of my thighs and not just the size. And don't forget that my hands go up, ready to fight every time I know it's right, but I prefer to walk the world with my arms outstretched, ready to catch all the magical, amazing things that fly down from our endless baby blue sky. A zillion sights to delight in, a zillion reasons to smile from within. So take my hand, boy, and let's walk together. It's with our energies combined that we make this world better. We were made in unity, no female without male, no she without he. I am she. Can't you see when we build together, we'll stay strong for eternity. So remember what your mama told you. Don't judge that book by its cover, 'cause in haste we reciprocate mistakes in perception, affection, and selection. She wears makeup 'cause she loves to, brands when she wants to. Her lipsticks may be named Lickable, Orgasm, or Russian Red, but that doesn't mean that the words that come out of her mouth or the ideas out of her head should be discounted or surmounted, called baseless or unfounded. So make way for her to jump from puddle to pond, then straight into the ocean. Don't worry, she'll be gone. You can't hold her back, boy, that's not your right. So give up that fight and set her free. Let her experience all her happiness, make her feel supreme.
She makes smiles out of tears and morsels into meals. She can check temperatures and raise temperatures, build fortunes from pennies and bring smiles to many. She's gentle and kind, but don't undermine. She'll kick like a girl and hit like a girl and run like a girl because she is a girl. And it doesn't make you any less of a man to let her stand shoulder to shoulder or take your hand. You heard it before, boy, it's yin and yang. We live in a world of duality. Understand this first rule of humanity. Divine masculine. Divine feminine. Don't you see? We expand most when we function in unity. Hi, this is Anshuman. And this is Upeka. Wishing you an incredibly liberated Women's Day. Celebrate the divine feminine all around you. And if you really like this video, make sure you hit the like button, share it, and subscribe to the Shortcuts channel.